हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस डिस्कशन का दोस्तों जो टॉपिक है वो है हमारा WTO के एग्रीकल्चर के कुछ एग्रीमेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अक्सर आपने काफ़ी बार सुना होगा कि WTO के द्वारा कुछ सब्सिडीज वगैरह हैं जिनको लेके बहुत सारे इश्यूज वगैरह उठाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और WTO के बीच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके बीच में काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट भी रहते हैं। तो इसकी तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि क्या है ये WTO का एग्रीमेंट वगैरह। तो बेसिकली न्यूज़ क्या थी पहले वो देख लेते हैं। देखो, न्यूज़ अभी ये थी कि रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी G33। G33 का मतलब दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, जैसे G7 ग्रुप है, उसी तरीके से वर्ल्ड की जो टॉप 33 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है। और उस ग्रुप के दोस्तों अभी मिनिस्टर्स की क्या मीटिंग हुई थी, इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, और उसमें बेसिकली फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर के जो एग्रीमेंट हैं WTO में उनको मेन आगे इम्प्रूव करने के लिए। क्यों दोस्तों, WTO है उसके अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं एग्रीकल्चर वगैरह को लेके, तो हम बात करेंगे। तो इस आर्टिकल में मैं आपको WTO क्या है ये बताऊंगा पहले, तो इसके बाद में कौन कौन से WTO के जो एग्रीमेंट हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उनके बारे में हम बात करेंगे, और इश्यूज़ क्या हैं, मतलब कि हमारे लिए एग्ज़ाम में, चाहे आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC बैंकिंग किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के हैं, एग्रीकल्चर इंडिया में काफ़ी अहम, एक आपको पता है इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और हमारी फूड सिक्योरिटी वगैरह के लिए, इसलिए हम इसके बारे में बात हो यहाँ पर करने वाले हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जो क्लासेस की PDF वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल है अपना वेलकम UPSC, इसके द्वारा डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ जो आपको ये करंट अफेयर की इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो दोस्तों फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ से भी आप इनको एक्सेस है हाथ से कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो अपना टेलीग्राम चैनल के अलावा जो दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल है नमस्ते एग्जाम, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग क्लासेज हैं वो यहाँ पर मिलती रहती हैं। अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो इससे पहले हल्का सा एक बात देख लेते हैं कि WTO क्या है। दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो जब भी कोई बिजनेस या व्यापार करना होता है तो हर एक कंट्री के अपने तौर तरीके, अपने क्या है रूल होते हैं, और इसीलिए कि भाई हर एक देश के अपने रूल हैं तो भाई कैसे बिजनेस होगा, क्योंकि एक से दूसरे देश में ट्रेड करना तो दिक्कत आएगी। इसलिए दोस्तों WTO नाम की एक संस्था बनाई गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें तो WTO नाम की जो संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बनी थी 1995 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1995 से पहले ट्रेड नहीं होता था विश्व में, नहीं होता था ट्रेड एक से दूसरी कंट्री के बीच में। और उससे पहले दोस्तों एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसका नाम है GATT, GATT, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, यानी GATT नाम का एक ये ट्रेड ग्रुप था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक से दूसरे कंट्रीज में ट्रेड की रूल रेगुलेशन स्मूथ। रूल रेगुलेशन का मतलब क्या है कि एक से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है तो उस पर किस टाइप से टैक्स होना चाहिए, मनमर्जी वगैरह नहीं हो, समझ रहे हो, इसके लिए ट्रेड क्या है आराम से हो सके, दिक्कत नहीं है, इसके लिए दोस्तों GATT नाम का एक एग्रीमेंट आया था। और दोस्तों यही GATT नाम का एग्रीमेंट है धीरे धीरे 1995 में इसको हटाकर इसकी जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक नई संस्था बनाई जाती है। काम क्या है, काम इसका ये है दोस्तों कि एक से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है वो स्मूथली हो, फ्रीली हो, ज़्यादा टैक्सेस वगैरह ना लगें, ताकि ट्रेड में दिक्कत नहीं है, सामान महंगा नहीं हो, और कोई भी देश अगर मनमर्जी कर रहा है तो उसको ऊपर लगाम है वो लगाए जा सकें। आज के टाइम पे दोस्तों WTO में 164 कंट्रीज मेंबर हैं और वर्ल्ड का लगभग 98% जो ट्रेड है वो WTO ग्रुप के द्वारा किया जाता है। ये मैंने आपको बेसिक चीज़ यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों प्रीलिम्स या कोई भी एग्जाम है इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं WTO पर भी। पहली बात तो यह है कि WTO है दोस्तों कब बना था ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है 1986 से और 94 के बीच में एक उरुग्वे राउंड हुआ था, मतलब उरुग्वे एक मीटिंग हो रही थी एक जगह पे, उसको उरुग्वे राउंड के नाम जानते हैं। और वहाँ पर दोस्तों बेसिकली WTO की चर्चा की गई थी कि भाई जो GATT नाम की संस्था है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी इसको हटाया जाए और इसके आगे नई संस्था का निर्माण किया जाए ताकि उसमें और अच्छे से रूल वगैरह लाए जाएं। G33 के हैं दोस्तों, G33 की हम बात करें तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि वर्ल्ड की जो टॉप 33 कंट्रीज हैं उनके द्वारा दोस्तों मिला के ग्रुप बनाया गया है। अब इसमें 33 में अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी आती हैं,
इसलिए टोटल जो यहाँ पर मेंबर है वो दोस्तों 47 हो जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आपको पता है कि ज्यादा मेंबर है, इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान है रखना। न्यूज मैंने आपको बता दी है कि अभी G33 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी, तो उसी को लेकर यहाँ पर न्यूज है वो आई है कि WTO में एग्रीकल्चर को लेकर। अब दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं चीजें कि भाई WTO और एग्रीकल्चर के बीच में विवाद क्या है। दोस्तों WTO का काम क्या है, मैंने आपको बताया कि ट्रेड है वो एक से दूसरे देश में स्मूथली आराम से हो, समझ रहे हो, यानी एक से दूसरे देश में सामान को खरीदना बेचना है तो इजीली हो सके, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ज्यादा टैक्सेस वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि आराम से व्यापार हो सके, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर में ही दिक्कत क्या है कि सब्सिडी दी जाती है, आपको ध्यान होगा, यानी एग्रीकल्चर दोस्तों एक बिजनेस ही नहीं है, एग्रीकल्चर आपको पता है फूड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो खाने की चीजें वो कहाँ से आती हैं, एग्रीकल्चर से आती हैं, इसलिए एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों इकोनॉमी के साथ साथ क्या है फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कामों में इसकी जरूरत हो जाती है। अब होता क्या है कि एग्रीकल्चर में हर एक देश के हैं अपने किसानों को सब्सिडी देता है, और दोस्तों ये सब्सिडी मोटे तौर पर 3 टाइप की होती है जो कि काफी जरूरी है आप लोगों के लिए याद रखने लायक। एक होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और एक होती है दोस्तों ब्लू बॉक्स सब्सिडी। यानी मैंने क्या बताया कि एग्रीकल्चर को लेकर 3 तरह की सब्सिडी दी जाती है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। क्या है फटाफट बता देता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का मतलब दोस्तों ये है, कोई भी देश अपने देश के अंडर की या देश की टेरिटरी में रिसर्च के लिए कोई सब्सिडी दे रहा है, किसानों के लिए रिसर्च वगैरह के लिए कोई इंस्टीट्यूट लगाया उसके लिए पैसा दे रहा है, इसके साथ ही किसानों के लिए कोई नहर वगैरह का निर्माण करवा रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा रहा है, इस टाइप की जो सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर को लेके वो आपकी ग्रीन बॉक्स में काउंट की जाती है। आ गया समझ में, ग्रीन बॉक्स का मतलब क्या है, ये वो सब्सिडी है जो किसानों की इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च वगैरह के लिए दी जाती है। और ये दोस्तों मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो इन सब्सिडीज की खास बात क्या है, ये आपके ट्रेड को नुकसान नहीं करती, ये किसानों की इनकम को या किसानों की ताकत मजबूत है वो बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडी है ना, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, यानी इस सब्सिडी को लेके डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों एग्री हैं कि हाँ भैया ये सब्सिडी देनी चाहिए, अच्छी चीज है ताकि डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये क्या है रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए दी जाती है। फिर एक आती है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडी कौन सी है दोस्तों, ये वैसे अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा डेवलप देशों में दी जाती है, हमारे जैसे डेवलपिंग देशों में नहीं होती, और एट प्रेजेंट में दोस्तों कोई भी देश इसको नहीं देता है क्या, लेकिन देख लेते हैं दोस्तों। ब्लू बॉक्स सब्सिडी है ना, ये एक ऐसी नेगेटिव सब्सिडी है। नेगेटिव का मतलब क्या है भाई दोस्तों, नेगेटिव सब्सिडी का मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट लगाने के लिए दी जाती है, यानी इसमें क्या है किसानों को कहा जाता है कि भाई आप प्रोडक्शन कम करो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, आप ज्यादा अनाज पैदा मत करो, क्योंकि अगर आप ज्यादा अनाज पैदा करोगे तो देश में अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और उससे क्या है मार्केट में दिक्कत आ सकती है, समझ रहे हो। यानी ये ब्लू बॉक्स सब्सिडी बेसिकली उन देशों में दी जाती है जहां पर बहुत ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन होता है और सामान बहुत ज्यादा सस्ता हो सकता है, इसलिए वहां पर यह सब्सिडी दी जाती है। आगे समझ में, ब्लू बॉक्स सब्सिडी ज्यादातर पैसे वाले जो देश है, अमीर जो देश है ना, वो पैदावार या प्रोडक्शन को रोकने के लिए दी जाती है। सरकार किसानों को कह देती है कि भैया इस बार आप अनाज कम प्रोड्यूस कर लो, हम आपको वैसे ही आपके 2-3 लाख रुपए अकाउंट में दे देंगे, ज्यादा अनाज पैदा मत करो, हमारे देश की जरूरत इतनी है, ठीक है। इस टाइप की सब्सिडी है दोस्तों ब्लू बॉक्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई ऐसी सब्सिडी तो ठीक है, कोई बात नहीं देशों के हिसाब से, लेकिन याद रखना एट प्रेजेंट में कोई देश इसको नहीं देता है। इन देखा जाए तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, ये ध्यान रखना है। फिर एक आती है आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इस पे विवाद है दोस्तों। ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी है ना, इस पे बड़ा ही विवाद है WTO में। क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के अलावा जो भी सब्सिडी दी जाती है वो सारी की सारी एम्बर बॉक्स में आती है। सिंपल शब्दों में बोलूं, हमारे देश में दी जाती है MSP, याद ना, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, याद है MSP, ये दोस्तों आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आती है, ठीक है। यानी एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर आपकी आती है MSP। MSP क्या होती है दोस्तों, सरकार किसानों को कहे अनाज को प्रोड्यूस करने के लिए कहती है कि भैया आप है ये अनाज ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इस रेट पे खरीदेंगे। ध्यान होगा आपको कि सरकार किसानों से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी को दी देती है। अब दोस्तों इस सब्सिडी को लेकर बड़े ही डिस्प्यूट है एम्बर बॉक्स वाले को लेकर, क्योंकि इसी को लेके WTO की जो डेवलप और डेवलपिंग देश है ना उनके बीच में विवाद रहता है। कैसे विवाद है वो समझाता हूँ, सुनिए, बहुत ही अहम चीज है दोस्तों। बात ऐसी है कि ये जो डेवलप देश है ना,
इनका ये कहना है कि भाई डेवलपिंग देशों में एग्रीकल्चर को लेकर सब्सिडी बहुत देते हैं, इसका मतलब डेवलपिंग देशों में सस्ता अनाज प्रोड्यूस होता है। अब भैया डेवलपिंग देशों में अगर सस्ता अनाज प्रोड्यूस हो रहा है तो सीधी सी बात है वो सामान को कहें एक्सपोर्ट करेंगे, अगर उस सामान को एक्सपोर्ट करेंगे तो डेवलप देशों में वो सामान जाता है ना, तो वहां पर क्या किसानों को नुकसान होता है डेवलप देशों के। आया समझ में मैंने क्या कहा कि डेवलप देशों को यह कहना है कि डेवलपिंग देश है ना या जो विकासशील देश है वो सब्सिडी देते हैं अपने किसानों को, तो वहां पे ज्यादा अनाज प्रोड्यूस होता है, फिर वो सामान को क्या सस्ते में दूसरे देशों में बेचते हैं, डंप करते हैं, इससे उनके बिजनेस में दिक्कत आती है, वहां के किसानों को इश्यू होता है। और दोस्तों इसी को लेके डेवलप देश तो कहते हैं कि भैया ऐसे रूल बनाओ वैसे बनाओ, लेकिन आज तक दोस्तों अगर हम बात करें तो डेवलप और डेवलपिंग देशों में इस चीज को लेकर कोई ढंग से एग्रीमेंट हुआ नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं बार बार मीटिंग होती रहती है WTO की, तो कभी ये कहा जाता है कि सब्सिडी को कम किया जाए ताकि ट्रेड आराम से हो सके, ऐसे इश्यूज के हैं बार बार उठते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एम्बरबॉक्स सब्सिडी कौन सी होती है, ठीक है, क्योंकि एम्बरबॉक्स सब्सिडी क्या है दोस्तों ये याद रखना है कि ये प्रोडक्शन को लेके काम है वो करती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि एग्रीमेंट कौन से हैं एग्रीकल्चर को लेके WTO में। दोस्तों मोटे तौर पर तीन टाइप के एग्रीमेंट है, एक है 3% वो है डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट ये है सबसे विवादित दोस्तों, डोमेस्टिक सपोर्ट की बात यहाँ पर ये है। देखो डेवलप देशों का ये कहना है कि जो ये एम्बर बॉक्स वाली सब्सिडी है ना ये धीरे धीरे कम करनी चाहिए डेवलपिंग देशों को भी और डेवलप देशों को भी, क्योंकि दोनों देश क्या है सब्सिडी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, डेवलप देश भी अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं और डेवलपिंग देश भी क्या है किसानों को सब्सिडी देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बात की जा रही है डोमेस्टिक सपोर्ट की, बात यह है कि एक है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। यानी दोस्तों सिंपल शब्दों में आपको बात बोलूं तो बात कुछ इस टाइप की है कि डेवलप देशों का ये कहना है कि भाई जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, कितना कम किया जाए तो उसी के बारे में है। जैसे ये कहा गया है कि डेवलप देश हैं वो धीरे धीरे आगे आने वाले 6 साल में सब्सिडी है उसको 20% के आसपास कम कर देंगे, और डेवलपिंग देश हैं वो आगे आने वाले 10 सालों में जो भी सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को उसको 13% तक रिड्यूस करें। यानी प्लान ये है WTO के अकॉर्डिंग कि एक टाइम बाद धीरे धीरे किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी कंप्लीट बंद कर दी जाए, कौन सी एम्बर बॉक्स वाली, ताकि दोस्तों सामान की जो प्राइस है वो पूरे विश्व में कहें स्टेबल सी रहे। अदरवाइज होता क्या है इंडिया में कोई चीज गेहूं सस्ता है USA में महंगा, मतलब हर एक देशों में क्या है बहुत वेरिएशन होता है और इससे दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसीलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी को लेके अभी कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट हुआ नहीं है इस चीज के। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग देश से कहते हैं कि भैया हम तो सब्सिडी देंगे क्योंकि हमारे किसानों को जरूरत है, हमें दिक्कत हो जाएगी, हमारी फूड सिक्योरिटी की बात है, तो बला बला इश्यूज रहते हैं और इसीलिए दोस्तों कोई नेगोशिएशन हो भी नहीं रहा फाइनल जाके। लेकिन मोटे तौर पर आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है कि सब्सिडी होती कितने टाइप की है WTO में एग्रीकल्चर को लेके। एक होती है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का तो सिंपल सी बात यह है कि WTO का प्रोविजन ये है कि भैया जो भी सामान है एग्रीकल्चर का वो मार्केट में इजीली बिक सके, इसके लिए क्या है दोस्तों बैरियर कम से कम होना चाहिए। बैरियर का मतलब सामान इजीली एक से दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट हो, इससे क्या है लोगों को रिजनेबल रेट पे सामान मिल जाएगा। और एक है एक्सपोर्ट सब्सिडी। दोस्तों एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है, कुछ देश है वो सामान एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी देते हैं। जैसे आपको बताऊं कई बार हमारे देश में भी सरकार करती है कि भैया इस बार अगर आप प्याज का एक्सपोर्ट करोगे तो किसानों को क्या है बोनस देती है कि आप इस बार इतना ज्यादा मतलब प्याज प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको कुछ पैसा देंगे, प्लस में अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक्सपोर्ट पे भी क्या है जैसे कि पर क्विंटल पे 500 रुपए है वो अलग से आपको बोनस मिलाएगा। तो इस टाइप से क्या एक्सपोर्ट पे भी क्या है छूट दी जाती है किसानों को ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। अब दोस्तों सोच के देखो हमने किसी सामान पे एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी, लेकिन दोस्तों वही अगर दूसरे देश में जाए तो वहां पे सामान महंगा बिकेगा उनके लिए, तो वहां के किसानों के लिए समस्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ? वहां के किसानों के लिए समस्या होगी नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के काफी सारे इश्यूज हम उठते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कोई फाइनल अभी तक एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा है क्योंकि डेवलप और डेवलपिंग देशों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस चीज को लेके चल रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। बार बार दोस्तों ये बात उठती है कि डेवलप देश ये कहते हैं कि भाई सब्सिडी है उसको धीरे धीरे फेज आउट में बंद किया जाए, कहते हैं कि जैसे 10 सालों के अंदर 20% कम कर दो, 5% कम करो, ऐसे ताकि एक टाइम बाद बंद हो। लेकिन डेवलपिंग देशों का एक ही कहना है कि भैया हम सब्सिडी बंद नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने सब्सिडी बंद की तो फूड क्राइसिस आ जाएंगी हमारे देशों में, इसलिए हम किसानों को सब्सिडी देंगे, और इसी बात पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपको समझाया कि WTO के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर क्या क्या इश्यूज हैं। आई होप कि दोस्तों ये आर्टिकल आपको पसंद आया हो।
तो दोस्तों अगर आर्टिकल पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इसी के साथ जो आप इसकी PDF है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, फेसबुक पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो है वो कर सकते हैं। तो अभी की डिस्कशन में दोस्तों इतना ही है, थैंक यू।